अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरा। तो आज हम बना रहे हैं अंडे वाले बर्गर स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए रेसिपी पे आते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, इसको 15 मिनट भिगा लिया था पानी में। उसके बाद एक लार्ज साइज का आलू लिया है, 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें लिए हैं और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। तो चलिए हम कबाब बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 कप पानी डाल देंगे। पानी डाल दिया है, अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे सारी। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, अदरक का एक टुकड़ा डाल देंगे, 2 खाने के चम्मच कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसको तेज आंच पे रखेंगे, जब बॉईल आ जाएगा तो हम हल्की आंच पे इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। सो गाइस, बॉईल आ गया है। अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी। सो गाइस, अब हम बर्गर के लिए चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है धनिया ले लिया है, और 1 कप पुदीना ले लिया है, और 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और 2 खाने के चम्मच मैंने दही लिया है, और हसबे जायका नमक। अब मैं इसको पीस लूँगी। सो गाइस, ये देखिए मैंने चटनी पीस लिया, और अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप दही लिया है। अब ये चटनी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो स्ट्रीट स्टाइल चटनी तैयार है। तो इसको मैं मिक्स कर, ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आया है, ये चटनी रेडी है। तो गाइस, ये देखिए हमारा जो कबाब का मसाला है वो रेडी हो गया, अच्छी तरीके से पक गया है। अब मैं इसको चॉपर में पीस लूँगी। सो गाइस, ये देखिए कबाब का मसाला जो मैंने पीस लिया है इसको, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप जैसा आप चाहें यूज़ करें। और मैं इसको मिक्स कर, सो गाइस यहाँ मैंने एक ट्रे ले लिया है। अब मैं सारा जो कबाब का मसाला है वो इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरीके से फैला दूंगी, और उसके बाद इसको कटर से काट दूंगी। सो गाइस, अब हम कबाब बनाएंगे। तो मेरे पास अभी कटर नहीं है, तो मैं हाथों से बनाऊंगी। अपने ऑयल लगाऊंगी, सबसे पहले हम हाथों पर ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद इस तरह से मसाला हाथ में लेंगे और इसको बॉल्स बना के कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। तो गाइस, ये देखिए कबाब सारे तैयार हो गए हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अब मैं उसमें हसबे जायका नमक ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। सो गाइस, मैं अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। सो गाइस, पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं थोड़ा सा अंडा डालूंगी, मैं इसमें कबाब रखूंगी। देखिए कबाब मैंने रख दिया है। मैं इसको इस तरह से कर दूंगी और इसको इसमें फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए
कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। सो गाइस ये देखें, सारे कबाब जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। गाइस पैन में मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर लिया है, अब हम अपने बन को भी सेक लेंगे। इस तरीके से हम को सेक लेंगे हल्का हल्का। सो गाइस अब हम अपने बर्गर जो है रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये ग्रीन चटनी लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें कबाब रखेंगे और फिर एक से दो टमाटर रखेंगे स्लाइस, और फिर इसमें अनियंस रखेंगे। उस हम दोबारा से ऑमलेट बनाएंगे। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसके बाद ये मैंने एक अंडा फेटा है उसको मैं डालूंगी। ये देखिए अंडा फ्राई हो रहा है। सो गाइस अब मैं इसको ऑमलेट को पलट लूंगी और इसको इस तरह से काट लूंगी। ये देखिए मैं इसको कट कर लिया। अब मैं इसको फोल्ड करके बर्गर पर रखूंगी। सो गाइस अब हम इस पर ये ऑमलेट रख लेंगे। उसके बाद मैं इसमें चाट मसाला को स्प्रिंकल करूंगी। अब मैं दूसरी साइड से भी बन के चटनी लगाऊंगी और फिर केचप लगाऊंगी। ये देखिए हमारा बर्गर जो है रेडी हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट करूंगी। सो गाइस मज़ेदार से एग बर्गर तैयार हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के अल्लाह हाफिज़।